पहले भी ये सब अपने शुपियान के डिस्ट्रिक्ट में, खासकर शुपियान के लोगों को ईद मुबारक देता हूँ। शायद आगे इन चार दिनों में आपके साथ मुलाकात ना हो या ना हो, तो इसके लिए मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। रही बात यहाँ के जो हालात हैं, वो जो कोविड का मामला है, वो किस तरह करत फरत करनी है, लोगों को किस तरह ईद मनानी है, तो ये हम सबको पता है कि इस पिछले पाँच छः महीने से तकरीबन कोविड का ये दौर चल रहा है, और हर कोई जो गरीब तबका है या कोई भी तबका हो तो बेचारा इस वक्त सफरिंग में है। तो इन चीज़ों को खासकर इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने जो हमारी इनपुट से हम अपने तमाम दुकानदारों से, सब्ज़ी फरोशों से, सबसे जो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ब्लैक मार्केट ना करें। वो चीज़ों जो फ्रूट है या जो फल सब्जियां हैं, इनको ज़्यादा दाम पर ना बेचें, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं उनको वो भी अपने लोग हैं, उनको पता है कि कोविड की वजह से वो बेचारे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा दाम कोई 10 रुपये भी ज़्यादा लेते हैं तो वो उसी गरीब से लेते हैं, उन्हीं लोगों से, अपने भाइयों से लेते हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात में। इसलिए मैं उन सब दुकानदारों, शोपियान के दुकानदारों, गाँवों शहरों के दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वक्त ये मद्देनजर रखें कि ये जो लोग खरीदने वाले हैं ये भी हमारे अपने लोग हैं, और इनको बेचारों की मुश्किल के हालात से भी गुजरना पड़ा है, मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। अगर वो 2 रुपये भी कमाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो दाम है वो कंट्रोल में रखें, और खुशी खुशी लोग ईद मनाएं मुश्किल के हालात के बावजूद भी। उसमें ये कोरोना वायरस चल रहा है, आज के हालात में इसने ऊंची उड़ान भर दी है, और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है हमारी, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए। तो इसमें एक बात है जो हमारी, मतलब ईद उल ज़ुहा आने वाली है, मतलब सारी बिजनेस फीकी पड़ी है, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से और हालात की वजह से जो कि हर एक शोभा, जिसमें ताजिर हो, दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर हो, फ्रूट ग्रोवर हो या मजदूर हो, सब तो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। खासकर जो मतलब ये गरीब तबका और मजदूर तबका, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। तो इस बार में इनको ये अपील करता हूँ कि मतलब हमारे अपने ताजर बरादरी को, ट्रेडर्स को, दुकानदारों को, वो भी इस कोविड 19 में पीछे हुए हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि अपनी रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वो अपना थोड़ा मुनाफा रखे, ताकि जो मतलब हमारे गरीब हैं उनको भी फ़ायदा मिले और वो भी खुदा की रजा